देखिए बेटा, जैसे कि कल आपको पता है हम क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं। प्लस वन क्लास की आपकी मैथमेटिक्स की क्लास है, चैप्टर आपका का चल रहा है फिफ्थ। 5.1 आपकी कंप्लीट होगी। 5.2 का आपने फर्स्ट क्वेश्चन कर दिया था। 5.2 का आज हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट दे रखे हैं आपके, वैसे इसमें काफ़ी पार्ट है लेकिन सभी इसी प्रकार से दो पार्ट हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं अभी। क्या परफॉर्म द इंडिकेटेड द ऑपरेशन एंड राइट द रिजल्ट इन द फॉर्म ए प्लस आइटा बी। आपने ये जो दे रखे हैं, ये जो फॉर्म दे रखे हैं, इनका जो रिजल्ट है वो ए प्लस आइटा बी के अंदर लेके आना है। यानी जेड इज इक्वल टू ए प्लस जो आइटा बी होता है उस फॉर्म के अंदर आपने लेके आना है। फर्स्ट हम डिस्कशन करेंगे फर्स्ट पार्ट, 2i+5 का होल स्क्वेयर, 2i+5 का होल स्क्वेयर। देखिए फर्स्ट 2i+5 का होल स्क्वेयर, इसको सोल्व करेंगे। अब आपको पता है क्या a प्लस बी का होल स्क्वेयर क्या होता है? a का स्क्वेयर प्लस b का स्क्वेयर प्लस 2ab। क्लियर है? ये a हो गया जी आपका, ये b हो गया। तो a और b की जगह आपने वैल्यू रखनी है, a का स्क्वेयर 2i का होल स्क्वेयर प्लस b का स्क्वेयर 5 का स्क्वेयर प्लस 2 इंटू ए, ए 2i+b(5). सोल्व कर दो, 2 का स्क्वेयर करोगे 4 हो जाएगा, आयोटा का स्क्वेयर हो जाएगा। 5 का स्क्वेयर करोगे 25 हो जाएगा, प्लस 5 × 10, 10 × 20, 5 × 10, 10 × 20, 20 आयोटा। अब देखो अपने को पता है आयोटा जो स्क्वेयर है क्या है, आयोटा स्क्वेयर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपकी, -1। आयोटा स्क्वेयर की जो -1 रख दो, प्लस 25 प्लस 20 आयोटा, माइनस के 4 प्लस 25 प्लस 20 आयोटा। अब आप देखेंगे रियल अलग करना है, इमेजिनरी अलग करना है, तो 25 में से 4 जाएंगे, 21 बचेगा आपका, प्लस 20 आयोटा। अब देखिए ये तो ए हो गया जाए आपका, और ये क्या हो गया आपका बी। आपकी फॉर्म के अंदर आ गया ए और बी, यानी ए की जो वैल्यू है वो कितनी है जी आपके पास 21, और बी की जो वैल्यू है वो कितनी है जी आपके पास 24। तो ये आपकी कौन सी फॉर्म के अंदर आ गया, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म के अंदर आ गया। अब इसी के हिसाब से आपका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड जो पार्ट आपका, अब ये चीज दी रखी है आपकी -k2+3i, 3 − 5i। अब आप देखिए आपने कुछ भी नहीं आता इसके अंदर, सिर्फ आपको गुणा करने आनी चाहिए। आप रफली इसकी गुणा करके देख सकते हैं, -k2+3i और 3 − 5i, देखिए मल्टीप्लीकेशन आपको करनी आती है पहले भी, 3 × −6, 3 × 3+9i। अब 5 × 10, माइनस माइनस किस चीज़ की हो जाएगी, प्लस की, आयोटा वाला कितना है, आयोटा वाला लिखना है 10i। 5 × 3 = 15, माइनस के 15 आयोटा के, आयोटा करोगे तो आयोटा स्क्वेयर हो जाएगा। अब आप देखेंगे इसको जब आप सॉल्व कर रहे हैं, −k 6 + 10 और 9 = 19 आयोटा, −15i² स्क्वेयर, ये चीज आएगी। आपने अलग से रफली आप मल्टीप्लीकेशन करके देख सकते हैं, तो आपकी मल्टीप्लीकेशन क्या आएगी, −6 + 19i और −15i² स्क्वेयर। ठीक है, अब ये चीज अभी आपको बताई थी भाई, आयोटा जो स्क्वेयर है उसकी जगह क्या रखना आपने, -1 ये वैल्यू होती है आयोटा स्क्वेयर की। आयोटा स्क्वेयर की जगह आप वैल्यू रखते हैं −6 + 19i, −15, और ये क्या हो गया जी आपका -1, यहाँ फिक्स हो जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे −6 + 19i, माइनस माइनस की चीज का हो जाएगा प्लस का, 15 में से 6 अगर जाएंगे तो ये माइनस के प्लस के कितने बच गए जी, 15 में से 6 जाएंगे तो 9 + 19i। ये आ गया आपके पास फॉर्म, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म आई, ये ए की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है आपके पास, बी की वैल्यू है। ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म के अंदर ही आपने लेके आया था।
ठीक है, इसमें यही है बस, सिर्फ आपको ऐड करना आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करना आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए और डिवीजन नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें सीखेंगे। सिर्फ आपने एक बात याद रखनी, आयोटा जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस वन होती है। रियल और इमेजिनरी पार्ट का आपको पता होना चाहिए। रियल वैल्यू वो होती है जिसके साथ में आयोटा नहीं लग रहा हो, और जिसके साथ में आयोटा लग रहा है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। ये बात ध्यान रखनी बस। धन्यवाद, थैंक यू।